प्लास्टिक बोतल बोट फ्लड रेस्क्यू। एक चमनपुर नाम का छोटा सा गांव था और उस गांव में राकेश नाम का छोटा लड़का रहता था। वो तरह तरह की प्लास्टिक बोतल का व्हीकल्स बनाते रहता था। दिन भर वो प्लास्टिक के व्हीकल्स ही बनाकर उनसे खेलता ही रहता था। उसके पापा एक दिन कहते हैं, अरे राकेश बेटे, तुम कब तक ऐसे बेकार के प्लास्टिक टॉयज से खेलते रहोगे? अब तो तुम बड़े हो चुके हो। ये बेकार के नहीं है पापा, ये सारे व्हीकल्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई हैं। लोग प्लास्टिक बोतल को यू ही फेंक देते हैं और मैं इनको रिसाइकल करके इनसे ये मजेदार टॉयज बनाता हूँ। लेकिन तुम पढ़ाई कब करोगे? दिन भर ये प्लास्टिक बोतल टॉयज बनाकर क्या फायदा? ऐसा मत कहिए पिताजी, देखना एक ना एक दिन ये टॉयज जरूर काम आएंगे। एक दिन की बात है, उस गांव से एक बाबा जी गुजर रहे होते हैं और राकेश के घर से गुजरते वक्त वो राकेश से रास्ता पूछते हैं। बेटे, जरा मंदिर तक का रास्ता बताना, तो मैं थोड़ा गुम हो गया हूँ। मंदिर तो यही नजदीक में ही है बाबा जी, बस थोड़ी देर चलकर बाई मुड़ना होगा, फिर मंदिर सामने दिखाई देगा आपको। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत असल लगते हो, इसीलिए मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैं दरअसल भविष्यवाणी कर सकता हूँ और कुछ दिनों में इस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आएगा, उसके लिए तैयार रहना बेटा। जी। सबको खतरे से दूर ले जाता है। ऐसा करके सभी लोग बच जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद सब लोग इकट्ठा होकर राकेश को धन्यवाद कहते हैं। अरे बेटे, तुम्हारा हम कैसे शुक्रिया करें? तुमने तो हम सबकी जान बचाई है। अरे ये तो मेरा फर्ज था, हमें हमेशा अपने प्रतिभा को इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद राकेश खुशी खुशी अपनी प्लास्टिक व्हीकल चलाता है और कोई कुछ भी नहीं कहता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी और भी मजेदार वीडियो मिस ना हो।